दोस्तों स्वागत है आपका खबरों का ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक नई जानकारी के साथ वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट आई सामने, एक्टर के शरीर में नहीं मिला किसी तरह का जहर। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 15 दिन बाद भी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस ने इस आत्महत्या मामले में अब तक 28 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में उनकी मौत को लेकर पूरी जानकारी दी गई है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट के मुताबिक सुशांत के शरीर में किसी भी तरह के संदिग्ध रसायन या जहर नहीं पाया गया। बता दें, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद विसरा को जिजे अस्पताल में विश्लेषण के लिए भेजा गया था और मंगलवार को यह रिपोर्ट सामने आई। ऐसे में यह तो साफ है कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या ही की है। सुशांत के निधन के बाद मुंबई के कपूर हॉस्पिटल में उनका पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद उनके ऑर्गन्स विसरा रिपोर्ट के लिए जेजे हॉस्पिटल भेजे गए, जहां से उनकी विस्तृत रिपोर्ट भी बीते दिनों सामने आ गई थी। इस रिपोर्ट में सुशांत की मौत की वजह एसिफिक्सिया बताई गई थी, यानी कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाने की वजह से हुई है मौत। 14 जून को पोस्टमार्टम होने के बाद सुशांत की एक प्राइमरी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट के लिए उनके ऑर्गन्स जेजे अस्पताल भेजे गए थे। इस विस्तृत रिपोर्ट में सामने आया है कि सुशांत की मौत फांसी लगाने की वजह से ही हुई थी। उनकी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जहां 3 डॉक्टरों की निगरानी में बनी थी, इसके बाद पुलिस को विसरा रिपोर्ट का इंतजार था और वह भी अब सामने आ चुका है। गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुशांत ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई। प्रारंभिक रूप से जांच में सामने आया है कि सुशांत कई दिनों से डिप्रेशन में थे, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया होगा। हालांकि अभी इस बारे में केवल कयास ही लगाए जा रहे हैं, अब तक जाँच पूरी नहीं हुई है। सुशांत की आत्महत्या मामले में पुलिस उनके परिवार के अलावा उनके करीब रहने वाले इंडस्ट्री के कुछ लोगों का बयान ले चुकी है, जिनमें सुशांत की गर्लफ्रेंड एक्टर्स रिया चक्रवर्ती, डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, रोहिणी अय्यर जैसे लोग भी शामिल हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक खबरों का ज्ञान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।